हेलो भैया, नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया भैया। तो बढ़िया, सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं और अपना जो फार्म है उसका नाम बताएं और अपना फार्म किस लोकेशन पे पड़ता है। ठीक, मेरा नाम भरत राणा है। ये विलेज बहलोलपुर है, मोहाली में। मोहाली में? हाँ जी। तो ये मेन मोहाली में पड़ जाता है या मोहाली से थोड़ा सा नज़दीक है? मोहाली डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट है, हाँ जी। तो मोहाली से कितना किलोमीटर होगा ये? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर? हाँ, चंडीगढ़ से भी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, यानी बिल्कुल नज़दीक में लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ओके, तो भाई अपन बात करें घोड़ों की, तो अपने पास में कितने टाइम से हम घोड़े रख रहे हैं या घोड़ों की शुरुआत कितने टाइम पहले की थी अपन ने? देखिए प्रदीप जी, शौक तो बहुत पुराना है। दादाजी रखते थे। उसके बाद थोड़ा एक जनरेशन गैप पड़ गया। फादर साहब रखना तो चाहते थे तो किसी कारणवश रख नहीं पाए। ओके, तो उसके बाद पिछले लॉकडाउन की बात है, बड़े भाई रिंकू भाई, उन्होंने सोचा कि घोड़ी रखते हैं सिर्फ राइडिंग पर्पस के लिए। कोई हमें कोई नॉलेज नहीं थी कि कितनी हाइट होनी चाहिए, कौन सी लाइन, कुछ नहीं पता था, कोई नॉलेज नहीं थी। तो पहली घोड़ी लाई, अली की बच्ची थी, हाइट भी उसकी काफ़ी 63.5 थी। ओके, मतलब वो देख के बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उस पर राइडिंग की तो पूरा मतलब मन लगने लग गया। और किसी भी काम में मन नहीं लगता था, सब मन करता था कि घोड़ियों के पास बैठे रहें। उसके बाद फिर शौक पड़ा राइडिंग की और मन करा कि और चीज़ देखें, कोई और घोड़ियाँ लाएं। तो उसके बाद एक और घोड़ी लाए, शानदार की बच्ची। उसके बाद नॉलेज होती गई होती गई, राइडिंग का शौक पड़ा। तो फिर एक दिन बड़े भाई और उनके दोस्त बैठे थे, वो सोच रहे कि एक घोड़ी लेके आने, उन्होंने घोड़ी देखी हुई थी फेसबुक पे। अच्छा, जो अली की बच्ची लेके आ गए थे उसके बाद? हाँ जी, उसके बाद से बाद। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद शानदार की बच्ची लाए थे। ओके, वो बहुत मतलब बढ़िया चाल की थी, राइडिंग बहुत अच्छा कराती थी। उसने ज़्यादा शौक बढ़ाया हमारा। ओके, उसने सभी मतलब सभी भाइयों को इतना शौक बढ़ा दिया कि बस सभी का मन इसी में लगता है। यानी अभी जब जितने भी आप सब, यानी कि एक ही परिवार के सदस्य हैं, हाँ जी, तो सबों को शौक है क्या? सबको जी, सबको। या फिर इसलिए कोई एक दो इधर आ जाता है कि भाई चार भाई उधर हैं तो मैं अकेला क्या करूं? नहीं नहीं, सबको शौक है, सबको शौक है, राइडिंग का शौक है सबको, सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो लॉकडाउन में तो मेरे को लगता है सब एक साथ ही। बिल्कुल। तो अभी अपन अगर बात करें अपने फार्म पे जो सबसे मेन घोड़ा है वो ये है। हाँ जी। तो मैं चाहूंगा कि इसका नाम बताएं और इसकी हाइट के बारे में बताएं। इसकी पहले आपको स्टोरी बताता हूँ। हाँ बिल्कुल बताएं। पिछले साल लॉकडाउन की बात है, बड़े भाई रिंकू राणा जो मेन ओनर है, ओके, और उनके दोस्त, उन्होंने फेसबुक पे घोड़ी देख रखी थी। वो है भी बहुत अच्छी थी, ये कह रहे चलो घोड़ी देखने चलते हैं। तो हमारे बड़े भाई एक और है भगत सिंह सैदपुर, उन्होंने कहा कि रस्ते में एक घोड़ा बहुत फेमस घोड़ा है मक्खन नाम का, पहले इसको देख के चलते हैं फिर घोड़ी देखने चलेंगे। उसके बाद जब उन्होंने बड़े भाई ने मक्खन देखा तो उनका मन बिल्कुल मक्खन हो गया, मक्खन हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये घोड़ा तो लेके ही जाना है। अच्छा, पता नहीं हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि ये घोड़े को सभी फेमस ब्रीडर चाहते थे कि लेना, पता नहीं, पर उन्होंने दिया नहीं किसी को भी। ओके, उस दिन पता नहीं दिन अच्छा था तो फिर डील बन गई। अच्छा, उसी दिन हो गया था? हाँ, डील बन गई। अच्छा, उसी दिन फिर डील फाइनल हो गई। जिस घोड़ी को देखने गए थे उसको देखा भी नहीं। अच्छा, जिसके लिए मेन गए थे। अच्छा, घोड़ी लेने गए थे पर घोड़ा लेके आ गए। हाँ। तो ऐसा मेरे को लगता है अभी आपके पास में कितने घोड़ा घोड़ियां अगर टोटल बात करें तो? अपन अब के टाइम में हमारे पास बच्चों को मिला के 10 घोड़ियां। 10 घोड़ियां, एक घोड़ा 10 घोड़ियां। तो अभी जैसे मक्खन की हाइट क्या होगी? मक्खन की हाइट 64 है। 64 है? हाँ जी। यानी कि फीता लगा के? फीता लगा के, हाँ जी। क्योंकि पंजाब में दो तरीके की हाइट चलती है, एक तो फीता लगा के, एक बिना फीता नहीं, के। वाटर स्केल, वाटर स्केल वाली। वाटर स्केल, हाँ जी, हाँ जी। और उम्र की बात करें तो? उम्र इसकी 11 साल उम्र है। 11 साल की? हाँ जी। इसका ये प्रदीप भाई 19 बार चैंपियन रह चुका है। 19 बार चैंपियन रह चुका है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो जैसे कि 19 बार जिनसे आपने लिया होगा उनके पास में चैंपियन रहा होगा? हाँ जी, उनके पास सर्टिफिकेट भरा पड़ा है कमरा पूरा। पर सर्टिफिकेट कोई देता नहीं है ना, वो उन्हीं के पास होंगे। हाँ जी, हाँ जी, उनके पास। हमने ज्यादा कन्विंस भी नहीं किया है। अच्छा अच्छा। हाँ। पर एक बार एक चीज ये भी है ना कि 19 बार जीता हुआ ये स्टाम्प लगी हुई। हाँ, यही बहुत बड़ी बहुत बात है। इसका नाम ही बहुत है जी। और जैसे अगर इसके बाप की बात करें तो? बाप इसका एडम है जी। एडम है? हाँ जी, एडम को तो जानते ही सभी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ भी इसकी मज्जू की लाइन की थी, नीली। अच्छा, तो माँ थोड़ी होगी अभी इसकी? माँ अभी है नहीं। और बाप भी नहीं है? बाप भी नहीं। बाप भी नहीं। तो आपके पास में यानी कि पिछले लॉकडाउन से अभी 1 साल हो गया? हाँ जी, 1 साल हो गया। हाँ, एक साल हो गया है। तो इसकी कवरिंग वगैरह चालू कर? हाँ जी, कवरिंग चालू है। घोड़ियाँ अब तक 10 घोड़ियाँ मेट करा दी हैं।
अच्छा, यानी अपने आस पास की। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या फीस वगैरह क्या लेते हैं? 31,000 है फीस। 31,000 रुपए। बिल्कुल। तो जैसे इसका शेड्यूल क्या रहता है सुबह से शाम तक, जैसे खाने पीने का और लंजिंग वगैरह का? प्रदीप भाई, इसको दो टाइम हम एक्सरसाइज देते हैं। हाँ जी, क्योंकि पहले थोड़ा हैवी हो गया था। अच्छा अच्छा। फिटनेस की थोड़ी कमी रह गई थी, तो अब भी पूरा फिट है। अब सिर्फ टाइम टू टाइम डाइट चल रही है। कोई डाइट भी इतनी मतलब ज्यादा औखी डाइट नहीं है, बिल्कुल सिंपल डाइट है। अच्छा, जो सब घोड़ा घोड़ी को दे रहे हो वही बिल्कुल सिंपल डाइट दे रहे हो? बिल्कुल जी। अगर इसके स्वभाव की बात करें तो स्वभाव में कैसा? क्योंकि आजकल के जो घोड़े वोड़े डेंजर रहते हैं ना, आदमी जान से भी डरता है। स्वभाव इतना अच्छा है कि बच्चे को बिठा दो किसी का, उसको भी राइड करा के ले आएगा, गिरेगा नहीं। अच्छा, गिरेगा नहीं? नहीं, बहुत अच्छा। तो जब शुरू में घोड़ा लिया था, जब डर लगता था क्या? पहले पहले थोड़ा लगता था, जब इसको देखा पहले इसके साथ मतलब इश्क सा हो गया, डर ही लगता, नशा हो गया बिल्कुल। तो आप जैसे कि घोड़े एक साल पहले लिया था, उससे पहले भी कभी घोड़े रखा? नहीं नहीं, पिछले लॉकडाउन से स्टार्ट किया हमने, और अब इस लॉकडाउन तक 10 कर दिए। हाँ जी। तो अगर एक बार और लॉकडाउन लग गया तो मेरे को लग गया 20 हो जाने। ये अपना फार्म कर रहे हैं तैयार। अच्छा अच्छा, ये अपना नया फार्म बन रहा है। फार्म कर रहे हैं, अंदर थोड़ा एरिया कंजेस्टेड हो गया था। अच्छा अच्छा, यानी वहाँ थोड़ा एरिया छोटा पड़ रहा होगा। तो अभी जैसे कि ये जो फार्म बना रहे हो, ये कितने एरिया में होगा? ये 1.5 किले में होगा। ये 1.5 किले में? रिंग अलग है, आधे किले में रिंग अलग है। हाँ जी। और ये जो एरिया है जो रूम वगैरह का, वो एरिया अलग रहेगा? हाँ जी। तो जैसे घोड़े के कलर की बात करें तो ये कलर में क्या होगा? कलर में इसको हम नीला बोलते हैं पंजाब में। नीला? हाँ जी, ग्रे स्टेलियन। तो आपको और क्या खासियत लगी आपके इस घोड़े के अंदर? ऐसे बोलते हैं ना, हर किसी को अपने घोड़े के अंदर एक खासियत लगती है। सबसे पहले तो आप इसके मसल देख लो। बिल्कुल। पीछे से मसल देख लो, चेस्ट देख लो, जो मेन इसकी है, इसके मुंह की बनावट, इसके कान देख लो कितने शौकीन। कान बढ़िया है। सूंड देख लो इसका, पूरा प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर बहुत खुला डुला है इसका, उससे ज्यादा बढ़िया नेचर है इसका। हाँ, नेचर में सही लगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वरना घोड़े मेरे हिसाब से बहुत कम घोड़े हैं जो एक जगह टिक के खड़े। बिल्कुल, आप देख लो इतनी धूप है फिर भी आराम से खड़ा है। तो जैसे मैं बात करूं कि आजकल पंजाब में चल रहा है कि जो घोड़े वगैरह हैं उनके बाप चेंज कर दिए जाते हैं। जी जी। है ना, तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है, आपको भी पता होगा, आप भी घोड़ा लाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जैसे इसका बाप एडम है, ये मेरे हिसाब से वैसे तो जितने भी लोग हैं जो पुराने लोग हैं उनको सबों को पता होगा, पता है, है ना। पर अगर नया आदमी कोई अगर आपको कह दे कि भाई ये एडम का बच्चा है या नहीं है, मना कर दे कि भाई नहीं है, तो उसके लिए आपने डीएनए वगैरह करा रखा है? डीएनए हमने बिल्कुल करा लिया, इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, एक हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, तो डीएनए क्यों कराया आपने? जैसे पंजाब में तो कुछ लोग हैं जो डीएनए नहीं कराते हैं। डीएनए हमने इसलिए कराया क्योंकि आगे जो इसके बच्चे हैं उनको नाम मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, नाम मिल जाएगा। कि अगर किसी ने कह दिया कि डीएनए कराया, ये मक्खन का नहीं है, तो अगर डीएनए कराएगा तो पता चल जाएगा, उसको चिप के जो चिप होती है उससे पता चल जाता है नंबर। यानी कि झूठ का व्यापार नहीं करना आपको आने वाले टाइम में, क्योंकि मेरे को लगता है पंजाब में बहुत सारे घोड़े वाले जो डरते हैं डीएनए से। ये पता नहीं क्यों ऐसा है, मैंने तो कब का करा लिया जी। तो आपको किसी ने बोला था डीएनए के लिए या फिर आपने अपने मन से करा लिया? नहीं नहीं, मैंने अपने मन से कराया, क्योंकि आगे बच्चों को ही फायदा है, कि उनका कोई बाप चेंज नहीं कर सकेगा। बाप चेंज नहीं कर सकेगा, और कोई अगर बोलता है तो वो भी डरेगा कि यार मैंने उसका बोला था उस घोड़े का डीएनए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। घोड़े ने भी सहमति दे दी इस बात को। बाकी घोड़े का नाम आपने मक्खन रख रखा है? शुरू से मक्खन है इसका नाम। मक्खन है। हाँ जी। तो आप भी जैसे आगे इसको रिंग में लगाने की प्लानिंग है क्या आपकी भी? देखो, रिंग के लिए हमने सोचा है नहीं, क्योंकि इसने जो अपना काम कर दिया है। अच्छा, जो 19 बार बनना था बन गया, दूसरों को मौका दे वो ज्यादा बढ़िया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बाकी ब्रीडिंग मतलब रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं इसके, इतने टॉप क्लास। आपके पास में है इसका कोई रिजल्ट? अभी रिजल्ट आया है। हाँ जी। क्या बच्चा आया? बच्ची आई? बच्ची आई है। बच्ची आई है। माथे पे फूल, एक पैर वाइट है। एक पैर माथे पे फूल और एक पैर वाइट है। हाँ जी। ओके। तो इसकी जो अभी फिली आई है आपके पास में, वो सेल के लिए है? नहीं नहीं। क्या उम्र है उसकी अभी फिली की? अभी मेरे ख्याल से 8 दिन की होगी। 8 दिन की? बहुत छोटी है अभी तो। बहुत छोटी है, अभी एक सप्ताह है, लॉकडाउन का ही जन्म है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो जैसे अगर कोई कवरिंग के लिए अपने से कांटेक्ट करना हाँ चाहे, तो अपना क्या है कांटेक्ट नंबर जिस पे इनकी कांटेक्ट? मेरा नंबर है 8872185724।
भरत राणा मेरा नाम है। ओके, और विलेज का नाम बता दें। विलेज बहलोलपुर। बहलोलपुर अभय स्टेट फार्म मौली में पड़ता है। अभय स्टेट फार्म। अभय स्टेट फार्म अब गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, तो लोकेशन सब डाल रखी होगी। हाँ जी, हाँ जी। ओके,